क्लास अपने सेशन को स्टार्ट करें। सभी लोग आ जाइए क्लास फटाफट, क्लास को स्टार्ट करते हुए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि इतने लोग भी जुड़ते हैं, सभी लोग जुड़ जाएं यहाँ पर। लाइक कर लो, शेयर कर लो जल्दी जल्दी सभी लोग। मैंने बताया था आपको और मैं डेली बता रही हूँ, रेगुलर बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। प्राइस हाइक होने वाले हैं, सो प्लीज कोर्स को परचेज कर लो बेटा, ठीक है? ये तो खैर टेस्ट हो चुका, अब नया जब भी आएगा वो बता दिया जाएगा। कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं, अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो उसके इतने सारे बेनिफिट्स आपको जो दिख रहे हैं सारे के सारे मिलते हैं। एक कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है? और रिसेंटली भी एक नया बैच स्टार्ट भी हो रहा है, तो आप चाहते हैं जुड़ना तो प्लीज तुरंत कोर्स परचेस करिए, उस बैच में जुड़ जाइए। 30 मार्च से आखिरी प्रहार बैच फॉर SSC CHSL 2021 के लिए। बाकी आपको बता दूं कि हर संडे SSC कॉम्बैट होता है और आज भी हुआ SSC कॉम्बैट, जो कि 12 बजे होता है, संडे को होता है। और यहाँ पे एनरोल होने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कोड यूज़ करना होता है। कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ कोड अप्लाई करना होता है। आप सबसे बड़ी बात, कोर्स परचेज करते हैं आइकॉनिक तो भी आपको कोड लगाना है, आप कोर्स परचेज करते हैं अगर प्लस तो भी आपको कोड अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? रिपोर्ट एंड मेन कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड करता है सो आप क्लेम कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक SSC एग्जाम, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ओके? तो आपको ध्यान रखना है। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, सिद्ध मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया, इसका विकास किसके काल में हुआ? कनिष्क, हर्ष, मिनांडर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। प्लीज आंसर सही देने की कोशिश करिएगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है हर्ष। यह लिपि हर्ष के समय विकसित हुई, इसे हर्ष लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में श्वेतांबर नामक पंथ की उत्पत्ति कहां हुई? राजगृह, वल्लभी, उज्जैन या फिर सांची। जैन धर्म में श्वेतांबर नामक पंथ की उत्पत्ति कहां हुई? राजगृह, वल्लभी, उज्जैन या फिर सांची। प्लीज आंसर देखो, आंसर तो फटाफट दिया करो, है ना? कोशिश करो आंसर तुरंत देने की। जैन धर्म में श्वेतांबर नामक पंथ की उत्पत्ति कहां हुई? राजगृह, वल्लभी, उज्जैन, सांची। सो राइट आंसर इज बी, वल्लभी, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका निम्न में से किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? वैदिक, रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा।
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पंच सिद्धांतिका निम्न में से किसके पांच सिद्धांतों से संबंधित है। गुड आफ्टरनून, अब तो दिख रहे हैं, पिछली क्लास में दिख ही नहीं रहते हैं। गुड आफ्टरनून, तो राइट आंसर इज ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते हैं, कुषाण, हूण, यवन, शक। निम्न में से तुषारी लोग कौन कहे जाते हैं, कुषाण, हूण, यवन, शक। सभी लोग आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से ये साक्ष मिला जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे। क्वेश्चन टफ है बट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आंसर देने की कोशिश करिए। गलत दीजिए पर आंसर दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग कितना चल रहा है, आपकी तैयारी कितनी है। तो राइट आंसर इज लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोपनिषद की बुक की पृष्ठभूमि अमरता है, ठीक है, और दूसरा है ऑप्शन मुंडोपनिषद की मुख्य पृष्ठभूमि ओम है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सो राइट आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को बताइए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे बताइए। भूमि के रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को गुप्त काल में कार्णिक कहा जाता था, पांच चंद्रगुप्त दो के समय आया, मनुस्मृति में सर्वप्रथम भूमि द्वारा अधिकारियों को वेतन दिए जाने का उल्लेख है, या उपरोक्त सभी। बताना क्या है सही आंसर, फटाफट बताइए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, महावंश, दीपवंश, दिव्यदान, मिलिंद पन्हो। ओके, सो राइट आंसर दिव्य दान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस काल के अंत में गंगा के मैदान में शहरी क्षेत्र कम होने लगे थे? आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद, मगध काल। आंसर देने में तुम लोग का हाथ दर्द हो रहा है बेटा। डेली मेरी क्लास रात में ही होती है, 7:40 पर मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, बट आज मैंने सुबह क्लास लगाई है। ठीक है, ओके, सो करेक्ट आंसर गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अष्टाध्यायी, पाणिनि, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हर्षचरित बाण भट्ट, हितोपदेश मयूर शर्मा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत है जो वो बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बेटा बहुत इजी होता है, प्लीज बताओ। राइट आंसर है हितोपदेश मयूर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? खिलजी, तुगलक, संयंत, लोदी। अकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? खिलजी, तुगलक, संयंत, लोदी। जो भी सही आंसर है वो बताइए। ओके, राइट आंसर लोदी। अब मकबरों का अष्टभुजी आकार आकर लोदी वंश में विकसित हुआ। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? राजपूत, मराठा, मुगल, विजयनगर। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? राजपूत, मराठा, मुगल, विजयनगर। बताइए अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? राइट आंसर है मराठा। अष्टप्रधान की स्थापना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने की। ये किस प्रकार थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अष्टप्रधान में शिवाजी के राज्य का प्रशासन कौन देखता था? मोरोपंत पिंगले, रामचंद्र दीर्कर मजूमदार, अन्नाजी दंतो या दत्ताजी त्रिम्बक। राइट आंसर नरेंद्र ठाकुर जी आ गए, क्या बात है, अब तो आंसर आना शुरू हो जाएंगे। राइट, प्लीज बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अष्टप्रधान में शिवाजी के राज्य का प्रशासन कौन देखता था? ओके, सो करेक्ट आंसर इज मोरोपंत पिंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए,
14 कप भी आया है। आइए राइट आंसर देखें। बिल्कुल सही है, चंगेज खान मंगोल राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? चंगेज खान, कुबलई खान, तैमूर या फिर बाबर? 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? चंगेज खान, कुबलई खान, तैमूर या फिर बाबर? प्लीज राइट आंसर देने की पूरी कोशिश करिए कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना? फिफ्टीन का सी आया है, नरेंद्र ठाकुर का, डैडी जी का बी आया है। भाई राइट आंसर जो है वो सी है, तैमूर। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो है लूटपाट था, उसने निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? जयचंद, मूलराज, मूलचंद, पृथ्वीराज चौहान? चंदावर की युद्ध के में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से? ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? मैडम जी को प्रणाम। प्रणाम भाई शिवराज जी, वेरी वेरी प्रणाम, वेरी भाई आंसर दो फटाफट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बलबन, रजिया, बहराम शाह, इल्तुतमिश? तो करेक्ट आंसर इज रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान का भाई था और इल्तुतमिश का पुत्र था, जो सिंहासन पर बैठने के 6 माह के अंदर ही मार दिया गया। ये तो चलता ही रहता था, आपको पता होगा कोई किसी को मारता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता है? सामाजिक प्रशासन की स्थापना, नया रुपया शुरू करना जो 20वीं सदी तक चला, या ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना, या नहरों के माध्यम से सिंचाई का नया साधन निकालना? तो राइट आंसर इज नहरों के माध्यम से सिंचाई का नया साधन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एत्मादूलो का मकबरा किसने बनवाया था?
चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए राइट आंसर फटाफट। नूरजहां, शाहजहां, एतमादौला या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर, क्वेश्चन में ही राइट आंसर छुपा हुआ था और ये किसके, नूरजहां का पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये संपूर्ण संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, राजीव गांधी या वीपी सिंह? प्लीज आंसर। मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह? तो राइट आंसर फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से? मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? क्लैपिंग भाई नरेंद्र ठाकुर जी के लिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड नरेंद्र ठाकुर, बहुत 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 बधाइयां। बहुत बहुत सभी लोग भाई क्लैपिंग कर दें एक बार नरेंद्र ठाकुर जी के लिए, क्लैपिंग कर दें भाई सभी लोग। ओके, सो राइट आंसर इज मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? 42वें, 43वें या मतलब 42, 43, 41 या फिर 38? चलो भाई राइट आंसर देख लें, राइट आंसर देख लेते हैं। 42, 42वें संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया और यह 1976 में पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है, संसद का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको बताना है राइट स्टेटमेंट क्या है। ओके, राइट आंसर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? हत्या, गैर इरादतन हत्या या फिर लापरवाही के तहत मौत या फिर बलात्कार? राइट आंसर बताइएगा फटाफट। नरेन जी कल की जो की थी वो मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। मैं बैठ के बहुत देर तक वेट करती रही पर क्ली नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कल ही तो क्लास नहीं हुई बेटा, परसों तो हुई थी। हाँ राइट आंसर है बलात्कार।
दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है, जबकि धारा 376 में बलात्कार की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? 342, 356, 370 या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यूके, जर्मनी, यूएस या फिर कनाडा? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यूके, जर्मनी, यूएस, कनाडा? चलो भाई, राइट आंसर जो है वो यूके है, यूएस नहीं है। संदीप कुमार जी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य या इनमें से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? दो दो दो, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर है केंद्र और राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब? कैबिनेट इसकी सलाह देती है, मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है या सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है? तो राइट आंसर इसका भी बताइए क्या होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब? राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, ओके। सो राइट आंसर इज सी, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? 38, 39, 40, 42। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य है? राइट आंसर है 42। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान के संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? जल्दी से आंसर दो। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान पर बंदरगाहों की सब प्रजातियां पाई जाती है, वो कौन सा स्थान है? सेशल्स आइसलैंड, गालापागोस आइसलैंड, न्यू कैलेडोनिया या मेडागास्कर? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में एक द्वीप देश है, जहां बंदरों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? पत्ती, तना, पोस्ता, इनमें से कोई नहीं। अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? प्लीज फटाफट आंसर बताइए। राइट आंसर है पोस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती है? मूल जड़, झुकाव जड़, नोड लोज या जड़ें या इनमें से कोई नहीं। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? बताओ मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है झुकाव जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित हुआ? राइट आंसर 1986। भारत में एनवायरनमेंट 1986 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। यह संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ओके, राइट आंसर इज बोला शर्मा जी मणिपुर। और इसका असली नाम सानगाई हिरन है, जो कि मणिपुर के केबुल लामजा
राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सिक्स का राइट आंसर, फटाफट बताइए बेटा। राइट आंसर डी, क्या बात है प्रदीप जी, बिल्कुल सही आंसर है। संदीप जी आपका भी सही है। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस व जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर बताना। एमपी, राइट आंसर इज एमपी, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। बोला जी संदीप जी, नरेंद्र ठाकुर जी, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, फटाफट। ओके, सो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक। जो भी सही आंसर है वो आप लोग बताइए। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? चलो राइट आंसर है एमपी, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, लकड़बग्गा, सियाल, लोमड़ी, सांभर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोप चांची वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तोप चांची वन्य जीव अभ्यारण किस प्रदेश में है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। याद करने का तरीका सिर्फ यही है कि किसी भी चीज को नोट्स बनाकर याद होंगे और उसको बार बार रटना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। कैसे नहीं याद होगा यार, हर चीज जब अपना नाम याद हो गया, अपने मोबाइल नंबर याद हो गया 10 बार देखने से, तो ये कैसे नहीं याद होगा? राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है बताइए? प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
राइट आंसर नागालैंड। क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुंदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है? ख्याल, तराना, ध्रुपद, ठुमरी। गुंदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है? ख्याल, तराना, ध्रुपद, ठुमरी। कोई बात नहीं आदित्य जी, आप लेट हो गए। हैप्पी संडे पढ़ा रहे हैं, हैप्पी संडे कहाँ है? ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद्र में जिंक चित्र में जिंक ऑक्साइड और एरेबिक गोंद जैसे गैसो पेस्ट कहा जाता है कि पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तंजौर, मधुबनी, पट चित्र, मैसूर चित्र। एक क्लास हम सुबह 10 बजे ले चुके हैं, एक अगली क्लास, ये एक शाम को क्लास लेंगे। नोटिफिकेशन है ही आप लोग के पास, जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, राइट आंसर इज मैसूर चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। कमला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जो भी राइट आंसर है वो बताओ, कमला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऐसा नहीं, ओवर टाइम, 2 दिन क्लास नहीं हुई ना, इस वजह से आज की क्लास लगाइए बेटा। ओके, राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा? ओके, सो राइट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायक गिरिजा देवी किस घराने की है? बनारस, आगरा, किराना, लखनऊ। ठुमरी गायक गिरिजा देवी किस घराने की है? आगरा, किराना, लखनऊ घराना। तब आगरा घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। चलो अच्छा, रात में करंट अफेयर्स का सेशन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? गणेश, दामोदर, सावरकर ने, विनोबा भावे ने, लोकमान्य तिलक ने, नाना पाटिल ने। गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? गणेश, दामोदर, सावरकर ने, विनोबा भावे ने, लोकमान्य तिलक ने, नाना पाटिल ने। दीजिए आंसर, दीजिए फटाफट। राइट आंसर सी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, बताइए राइट आंसर। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिवेंद्र। राइट आंसर शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? अकाल तख्त की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब के सिख धर्म के गुरु के स्थापना, या फिर हर मंदिर साहिब की स्थापना।
खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है बताइए फटाफट आंसर। राइट आंसर है जैन। किससे संबंधित है? जैन से। अगला क्वेश्चन है, मुंबई ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है बताइए। मुंबई ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030, 2040, 2050, 2060। जल्दी से राइट आंसर है 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पंजीकरण मामले में भारत किस स्थान पर है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पंजीकरण मामले में किस स्थान पर है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट आंसर है फिफ्थ। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जापान, ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे हांगकांग, फिफ्थ नंबर पे आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, अफगानिस्तान। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है? सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, अफगानिस्तान। ओके, राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, मेडागास्कर, ढाका। हाल ही में कहां पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, मेडागास्कर, ढाका। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे भैया एक बार अगर लगातार बोलने पे ऐसे आ जाता है, मुंह खुल जाते तो का मतलब इसका मतलब नींद थोड़ी ना आ रही है। राइट आंसर है मेडागास्कर। वेरी गुड संदीप कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी सुन लीजिए मेडागास्कर की है, अरे ये कहाँ चला गया जी, मुद्रा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? नारायण प्रधान, कमलनाथ, प्रोफेसर सिद्धि नारायण या इनमें से कोई नहीं? नहीं भैया उदास नहीं है, उदास नहीं, बिल्कुल उदास नहीं है। अरे तुम लोग तो यार कोई बीमार ना हो तो बीमार कर दो है उसे, ऐसे ना बात करो भाई, इन्हें उदास हो जाएंगे। राइट आंसर नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 कहां आयोजित किया गया है?
राइट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ओके, सो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है गुरुग्राम। वेरी गुड वेरी गुड, सभी को आदित्य, संदीप, जीत, प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह युग का एक विशाल पत्थर जिसे मेन्हीर के नाम से जाना जाता है किस राज्य में पाया गया है? लौह युग का एक विशाल पत्थर जिसे मिनहीर के नाम से जाना जाता है किस राज्य में पाया गया? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना। लौह युग का एक विशाल पत्थर जिसे मिनहीर के नाम से जाना जाता है किस राज्य में पाया गया है? ओके, राइट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किसकी याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है? ओके, राइट आंसर जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफआर एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसने जीता है? राइट आंसर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। ओके, राइट आंसर इज 15 मार्च। तो आदित्य जी का सही है भाई, 15 मार्च, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटा कितने प्रतिशत कर दिया है? रात में जो भी क्लास होगी, करंट अफेयर्स का सेशन होगा, ठीक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? प्लीज राइट आंसर बता दो भाई जल्दी से। राइट आंसर है 9.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान। सर जल्दी है कि बार बार नाम लें। संदीप कुमार जी, मैंने कई बार आपका नाम लिया बेटा, ये क्यों सोचते हो कि आप पे फोकस नहीं हो रहा? आदित्य लगातार आंसर दे रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो।
सबसे ज्यादा आप ही दोनों जीत के आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर है बांग्ला नारायण प्रधान जी को, नारायण प्रधान जी को। अरे भैया देख लो ना, ये नहीं है, ये तो पिछले बार है, नारायण प्रधान जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? मुंबई, ढाका, भुवनेश्वर, थिम्पू। प्रवीण शर्मा जी भी आंसर दे रहे हैं। जी जी आदित्य जी, प्लीज कॉपी पेस्ट बार बार मत करिए, एक बार आंसर दे दिए मैं आपका नाम पढ़ लूंगी। ठीक है, परेशान मत हो, बार बार लिखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस स्थान से अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण प्रज्ञान और ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण पूरा किया है? श्रीहरिकोटा से, कटक से, अनवान सागर से, पोखरण से। जो भी सही आंसर है वो आप लोग बताइए। ओके, राइट आंसर श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने देशों के नागरिकों हेतु केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2020 में निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? 250, 220, 156, 120। राइट आंसर 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए योजना परियोजना की घोषणा की है? 19, 22, 25, 13। राइट आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद, कोची, चेन्नई, बैंगलोर। राइट आंसर है 92। एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? पाकिस्तान, नीदरलैंड, चाइना, नेपाल। राइट आंसर नीदरलैंड। नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं, इसीलिए क्वेश्चन भी खत्म हो गया, मत सुनो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।